धोनी की दीवानगी का खुमार तो हम सभी ने देखा ही देखा है, लेकिन धोनी की दीवानगी इतना सर चढ़ के बोली है कि लोग सात समुंदर पार करके आते हैं तो कईयों की पीढ़ियां देख रही हैं। इस आईपीएल में धोनी की फैन फॉलोइंग के चलते काफी कुछ कारनामे हमें ऑलरेडी देखने को मिले हैं क्रिकेट के जगत में, लेकिन आज गुजरात के मुकाबले में हुए हैं कुछ ऐसे खास लम्हे जिन्हें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आप, मैं हूँ आपके साथ लक्षित। आज था आईपीएल में धोनी की टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस के सामने। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स का जो सपना है प्लेऑफ में जाने का वो खत्म हो चुका है, लेकिन चेन्नई की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि उनके प्लेऑफ में बाहर होने के बावजूद भी इतनी फैन फॉलोइंग आज आई थी। हमने देखा जो मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने, जहाँ पे पूरी येलो आर्मी का झुंड हमने देखा था ग्राउंड के अंदर, लेकिन उसके बीच में ग्राउंड में ऐसे आते हैं दो विजुअल जिसने कर दिया हमें भी हैरान कि इतना क्रेज किसी आईपीएल में किसी खिलाड़ी के लिए कभी देखा नहीं गया या फिर क्रिकेटिंग जगत में, क्योंकि इतना महान खिलाड़ी, इतना बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में से वहाँ से महेंद्र सिंह धोनी का एलिमेंट निकाल दिया जाएगा तो आप लगा लीजिए फैन फॉलोइंग आसमान से गिर के कहाँ पर आ जाएगी। धोनी की फैन फॉलोइंग हमने इस प्रकार देखी है कि लोग अपने पूरे शरीर पे पेंट करके आते हैं महेंद्र सिंह धोनी के नाम का। सिर्फ एक मुकाबले में ही नहीं, एक ऐसे फैन हैं जो हर मुकाबले में इस तरह से आते हैं। धोनी की फैन फॉलोइंग के चर्चे इतने हैं कि जो पाकिस्तान के चाचा मशहूर हैं वो भी धोनी की फॉलोइंग के लिए जाने जाते हैं, जहाँ वो धोनी को एक अपना बढ़िया फेवरेट खिलाड़ी बताते हैं। भला वो पाकिस्तान हो या वो भारत, धोनी की फैन फॉलोइंग के चर्चे हर जगह पे है। लेकिन आज गुजरात के मुकाबले में हुए हैं दो ऐसे वाकया जिन्होंने जीता है हमारा दिल। पहला वाक्य ऐसा हुआ है जहाँ पे तो एक इंसान ने बताया कि उनकी तीन पीढ़ियाँ आज धोनी को देखने आई हैं, यानी कि उस इंसान के पिताजी, वो इंसान खुद और उस इंसान का बेटा, जिसके चलते हमें पता चला कि यहाँ पे तीन पीढ़ियां एक ही परिवार की धोनी को देखने आई हैं। खास करके वही यहाँ पे सारा सिनेरियो रहता है। दूसरा जो ऐसा कारवां है जहाँ पे सात समुंदर पार से एक फैन आया है, वहाँ हमने देखा एक होर्डिंग के ऊपर लिखा गया था कि 14,000 किलोमीटर दूर, यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए कहीं ना कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट से आए होंगे या फिर वो अफ्रीका से आए होंगे या वो ऑस्ट्रेलिया से भी आए हो सकते हैं या इंग्लैंड से भी आए हो सकते हैं, जो आज देखने आए थे 14,000 किलोमीटर दूर से महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए। क्योंकि इस सीज़न में एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीज़न हो सकता है। इस सीज़न के शुरू होने से पहले कप्तानी सौंप दी थी रविंद्र जाडेजा को, हालांकि ख़राब कप्तानी के परफॉर्मेंस के चलते वापस आ गए हैं कप्तानी पे महेंद्र सिंह धोनी। ये सोचने वाली बात यहाँ पे ज़रूर आती है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल है या नहीं है, जिसके चलते इस सीज़न में क्रेज़ और ज़्यादा बढ़ गया है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग धोनी को अगले साल का आईपीएल खेलना चाहिए या फिर इस सीज़न तक ही खेलना चाहिए आईपीएल। सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट, वो भी सबसे पहले।